मुझ जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, अपना करियर बनाना चाहते हैं इस जो अमूल डायरी में, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहे। यहाँ पर दोस्तों जॉब वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है दोस्तों अमूल डायरी कंपनी की तरफ से। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी जो यहाँ पर आ चुकी हैं, तो इसकी वेबसाइट हम यहाँ पर विजिट कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी अपडेट आप लोगों को बताते हैं, तो वीडियो को इस पूरा देखते रहिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको गूगल में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है करियर अमूल डायरी। दोस्तों इस जॉब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की। तो सिंपली दोस्तों इस तरह का इंटरव्यूस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको दिखेगी अमूल डायरी की, सिंपली दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है कि सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों रेड में, दोस्तों सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी यहाँ पर अमूल जैसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा। यहाँ आपको करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर देख पाए नीचे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वैकेंसीज खाली हुई होंगी दोस्तों इस अमूल डायरी कंपनी में, तो आपको यहाँ पे जो है मेल कर दिया जाएगा अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप कैसे करना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम आपको लिख देना है। फर्स्ट नाम लिखने के बाद दोस्तों अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। दोस्तों अपना फादर नेम है और फिर अपना मादर नेम लिखेंगे। मेल आईडी को भी आपको यहाँ पे डाल देनी है जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन हो। और फिर दोस्तों अपना पासवर्ड कोई भी 8 अंक का बना सकते हैं। टेलीफोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर आपको ना फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। अपने गवर्नमेंट आईडी का जो भी दोस्तों डिटेल है अपने यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप हैं दोस्तों अपना अपने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों उसकी यहाँ पर जो लोकेशन दे देंगे। फिर कैटेगरी में आपको आ जाना है। कैटेगरी में एससी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं अपना यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे एड्रेस में। एड्रेस में गवर्नमेंट आईडी पे जो भी आपका एड्रेस है दोस्तों अपना यहाँ पे फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर दोस्तों सिटी नेम यानी कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पिन कोड दोस्तों अपना यहाँ पे डालेंगे और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों अपना स्टेट में दोस्तों कोई भी आपका प्रदेश है दोस्तों अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर दोस्तों आपको कंट्री आपको लिख देना है इंडिया। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एजुकेशन डिटेल दे आपको दे देनी है दोस्तों। आपकी एजुकेशन की एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यानी कि डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट खाली हुई दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। मेल के थ्रू कॉल भी आपको आ जाएगा दोस्तों इस अमूल जैसी कंपनी में जॉब करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो फॉर्म दे दिया है मैंने लिंक दे दिया। सिंपली दोस्तों जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद तो दोस्तों आपको एजुकेशन डिटेल दे देनी है। एजुकेशन डिटेल अपनी फोटो वगैरह यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम वगैरह अपलोड कर देने हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों डेमो के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना फॉर्म इस अमूल जैसी कंपनी के लिए दोस्तों। तो इससे रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों।